एग्जाम्पल 10.9। दिस एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स, क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल भी आ सकती है 8 मार्क्स में 2022 में। अगर मेरे से 2023 वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि ये एग्जाम्पल आएगी कि नहीं आएगी, आपने अगर चेक कर लेना है कि प्रीवियस पेपर में, दैट मीन्स 2022 में ये एग्जाम्पल आई है, तो इसका मतलब 2022 में ये एग्जाम्पल नहीं आएगी। सो आपने ऐसे एस्टिमेट लगा के चलना है। एमएससी मैथ का पेपर हमेशा ऐसा आता है कि जो जो प्रीवियस पेपरों में नहीं आता, दैट मीन्स जैसे ग्रेजुएशन में सारा पेपर 10 ईयर में आता है, ऐसे एमएससी का पेपर 10 ईयर में नहीं आता है, हमेशा यूनिक क्वेश्चन आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, आप ओनली 10 ईयर फॉलो मत करना, क्योंकि 10 ईयर में पेपर नहीं आता है एमएससी मैथ्स का। तो आपने ये हमेशा याद रखना है। सो एमएससी मैथ में आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एमएससी मैथ्स की तैयारी पहले से करके रखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें 5 मैथ्स होते हैं, थोड़ी सी टफ होती है एमएससी मैथ्स, मुझे भी पता है। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस टफ लगती थी, मुझे बहुत ज्यादा टफ लगती थी वो टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस। आप बताना कि आपको वो कैसी लगती है कमेंट में। नाउ यहाँ पे हमारे 2 पैरामीटर्स हैं, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय पी ऑफ एक्स कॉमा अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू बीटा की पावर अल्फा गामा फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर -बीटा एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 to infinity। फाइंड एस्टिमेटर ऑफ अल्फा एंड बीटा बाय यूजिंग मेथड ऑफ मूवमेंट्स। इसके 2 मेथड्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, μ1 इज इक्वल टू m1 μ2 इज इक्वल टू m2, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या थी, μk इज इक्वल टू mk। सो यहाँ पे हमें अगर हम 2 पैरामीटर्स को फाइंड करने लगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने जर्नल ले लिया μr-, उस पर हमने डेफिनेशन लगा दी 0 to infinity, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर r, जो कांस्टेंट टर्म है वो उसको हमने बाहर निकाल दिया, बीटा की पावर अल्फा गामा फंक्शन ऑफ अल्फा, ये इसको हम गामा बोलते हैं, और इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, क्योंकि x इज 0 to infinity एक्स एफ ऑफ एक्स dx किसकी डेफिनेशन है, एक्सपेक्टेड e की। नेक्स्ट स्टेप में क्या कि इन दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर लिया, e की पावर -β(x)dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, e की जो पावर है उसको y लेट कर लिया, सो x इज इक्वल टू y अपॉन बीटा, dx किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन बीटा dy। देयरफॉर μr- किसके इक्वल आ गया, बीटा की पावर अल्फा गामा फंक्शन ऑफ अल्फा, ये एज इट इज 0 to infinity भी एज इट इज अगर पुट करेंगे तो जो y है, अगर x 0 है तो y भी की भी लिमिट 0 होगी, अगर y की इन्फिनिटी है तो y की भी लिमिट्स क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। सो x की जगह पुट कर देंगे y अपॉन बीटा उसकी पावर r+α-1, और dx की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा dy। ये देखो मेरी मैम ने किया है, 1 -1 के साथ +1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, y की पावर अल्फा +r-1 और बीटा की पावर अल्फा +r। तो 0 to infinity e की पावर -x, x की पावर n-1 का फॉर्मूला क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ n, तो यहाँ पे यूज कर लिया, ये सारे हमारे कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा +r, क्योंकि इससे एक ज्यादा, तो +1 करेंगे तो -1 के साथ कैंसिल, +α+r आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला।
सो यहाँ पे आ गया बीटा की पावर अल्फा गामा फंक्शन ऑफ अल्फा, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस आर, बीटा की पावर अल्फा प्लस आर, इन दोनों को कंबाइन करके क्या आ गया, बीटा की पावर अल्फा के साथ ये कैंसल, तो क्या बच गया, बीटा की पावर आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आर को वन एंड टू पुट कर लिया, क्योंकि हमें म्यू वन डैश म्यू टू डैश की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फा प्लस वन बीटा की पावर वन, मीन्स कि ये आ गया अल्फा, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस वन इज, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा फंक्शन ऑफ एन। ये देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस वन ये वाला मैम ने ये सॉल्व किया, इसका सॉल्व ये रहा, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, अल्फा गामा फंक्शन ऑफ अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा एज इट इज बिट्टा, इसके साथ ये कैंसल अल्फा अपॉन बिट्टा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस टू बिट्टा की पावर टू, इसको कैसे लिखेंगे, एन गामा एन इज गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस वन, इससे कम आ जाएगा, टू की जगह क्या आ जाएगा वन, और इसको क्या लिखेंगे, अल्फा गामा फंक्शन ऑफ अल्फा, तो इसके साथ ये कैंसल बिट्टा स्क्वायर, तो ये बच गया अल्फा अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, पुट कर दिया किसमें, स्टार में यहां पे, तो एम वन डैश एम टू डैश की वैल्यू आ जाएगी, सो एम वन डैश की वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा, एम टू डैश की अल्फा अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर। नाउ हमने इसकी वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये देखो डिवाइड किया एम टू डैश अपॉन एम वन डैश, सो ये एज इट इज, ये इसका क्या बन गया स्केयर, स्केयर करके क्या आ जाएगा बीटा स्केयर अपॉन अल्फा स्केयर, दैट मीन्स आप यहां पे लिख सकते हो डिवाइडिंग एंड स्केयरिंग, नहीं अच्छा नीचे वाले का स्केयर किया है एम टू डैश अपॉन एम वन डैश स्केयर, एम टू डैश की वैल्यू एज इट इज, इसका स्केयर किया तो बीटा स्केयर अपॉन अल्फा स्केयर, वैसे क्या आना था अल्फा स्केयर अपॉन बीटा स्केयर, बट ये नीचे है तो रेसिप्रोकल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसके साथ फिनिश, इसके साथ ये खत्म, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा, दैट मीन्स वन प्लस वन अपॉन अल्फा, तो ये वैल्यू आ गई, तो यहां से हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, अल्फा लेकर आते हैं, सो ये रहा इसकी इक्वल, मैंने ये ले लिया, ये पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लिया, एम टू डैश माइनस एम वन डैश स्केयर अपॉन एम वन डैश स्केयर इक्वल टू वन अपॉन अल्फा, ऊपर अल्फा चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या आ गया एम वन डैश स्केयर एम टू डैश माइनस एम वन डैश स्क्वायर, ऐसी हमारी बीटा की वैल्यू आ गई, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एम वन डैश, तो क्या आ गई, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक टर्म आ गई एम वन डैश, क्योंकि एक कैंसिल हो गया ना हमारा, सो एम वन डैश अपॉन एम टू डैश माइनस एम वन डैश स्क्वायर, दस अल्फा कैप इज इक्वल टू दिस, हमने इक्वेट किया तो लास्ट में क्या आ जाएगा कैप, अगर आप कैप नहीं डालोगे तो हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई एम वन डैश स्क्वायर एम टू डैश माइनस एम वन डैश स्क्वायर, एंड बीटा कैप की एम वन डैश अपॉन एम टू डैश माइनस एम वन डैश स्क्वायर, वेयर एम वन डैश एंड एम टू डैश आर सैंपल मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड एस्टिमेटर्स। इसी के साथ हमारी चैप्टर थ्री की सभी एग्जाम्पल्स थ्योरम्स कंप्लीट होती हैं, बस हमारी एक्सरसाइज 3.3 रहेगी, कल नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, इसके 12 क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, तो आपने वो क्वेश्चंस भी अपने नोट्स में नोट कर लेने हैं। थैंक यू।